हे गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अवर ससुराल। और हमारी ससुराल की जगह का नाम क्या है? ये नियर बाय टाउन है गरुड़। और इस गांव का नाम क्या है? पास्तोली। इस गांव का नाम पास्तोली है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि छोटा सा स्ट्रगल जो एवरी पहाड़ी के लिए नॉर्मल है और एवरी बंदा जो प्लेन में रहता है उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको अपना सारा सामान साथ लेके चलना पड़ता है और फिर ऊपर ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है। ये रास्ता आप देख रहे हैं और ये रास्ता आप वहाँ तक गाड़ी नहीं ले जा सकते हो और कुछ अपने आप पैदल लेके जाना पड़ता है। आप कोई भी डेली नीड्स की चीज़ ऑन डिमांड नहीं मिलती है ईजीली अगर आप थोड़ा सा हट के हो मेन सिटी से। बस और मज़ेदार हैं, थोड़ी सी लाइफ हल्की सी टफ हो जाती है, नॉट दैट मच बट आई नो मैनी पीपल लाइक इट। बाकी देखते हैं, मिलते हैं आप। इस तरीके से कलरफुल पेड़ होते हैं, आप ऐसे कलरफुल पेड़ों का आनंद सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पे ही ले सकते हैं। और यहाँ की लाइफ कंपैरेटिवली हल्की सी टफ होती है। मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों, कोई भी सामान होता है तो आप वहाँ से अपनी गाड़ी से लेके आएंगे। वो गाड़ी देख रहे हैं आप, वो वाली गाड़ी, और वहाँ से लेके आएंगे और आपको छोटे से रास्ते से जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, स्कूटी नहीं जाती, बस नहीं जाती, ट्रक नहीं जाती, ट्रैक्टर भी नहीं जाता, वहाँ पे आपको पैदल लेके जाना होगा। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन पहाड़, बट आपको समझने की देरी है कि लाइफ ब्यूटीफुल क्यों है, लाइफ डिफिकल्ट क्यों है। पहाड़ीज आर बेस्ट, आई रेस्पेक्ट पहाड़ीज बिकॉज दे स्ट्रगल्ड फॉर एवरीथिंग, एवरी नेसेसिटी दे स्ट्रगल्ड। ये लोग सामान लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो, और वो पहुंच गए बस। सो हमारा दिन शुरू होता है नहा धोने के बाद, हम जा रहे हैं अपने कुल देवी के मंदिर में जो कि हमारे ही गांव में है, और वहां जाके हम सबसे पहले कुलदेवी की पूजा करेंगे। कुलदेवी का नाम क्या है? यहां हमारी? हाँ हाँ, कुलदेवी। नरसिंह। तो हम जा रहे हैं नरसिंह, आदि भैरव नरसिंह के मंदिर में जा रहे हैं, वहां जाके पूजा करेंगे और उसके बाद जाएंगे बड़े मंदिर में। और सब लोगों ने शुरू कर दिया है, आप देख ही सकते हैं, सब लोगों ने शुरू कर दिया। मम्मी लोग जा रहे हैं आगे। सब तुमको इसलिए बताता हूँ ये क्या है। हाँ एक सेकंड, ये शिव जी दिख रहे हैं मेरे को और ये कोई कुलदेवी होंगी जिनको स्थान दे रखा है। अच्छा बताता हूँ, उस टाइम में अच्छा बिल 7 साल की थी जब। हाँ 7 साल की, बाल विवाह उनके, हाँ उनके हस्बैंड थे उसमें आजाद हिंद फौज में। अच्छा आजादी के टाइम की बात है। तो 2 साल में ही 9 साल की उम्र में, मतलब बुआ से मुलाकात भी नहीं, वो वहीं एक्सपायर हो गई। तो बुआ से फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभी तो शादी हुई, अभी मतलब विदाई भी नहीं हुई थी, क्या आप दूसरी शादी करते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनको ही मान लिया है। उनको जीत करी हमारे दादाजी को, तुम्हारी इतनी लंबी लाइफ है तुम्हें शादी। उन्होंने कहा मैं शिव जी से शादी कर लेती हूँ। अच्छा तो उनने यहीं पर रही हूँ, वो इसी घर में नीचे, और आजीवन शिव जी की पूजा करी और कोई वो नहीं किया, और ब्रह्मचारिणी रही पूरे आजीवन रही। तो उनके नाम से फिर जब वो एक्सपायर हुई तो यहीं पर उनने कहा था मेरे को जलाना मत, मैं साधु हूँ, मैं अब हिंदू नहीं रही, और हिंदू की तुम मेरे को हिंदू की तरह जैसे जलाओगे, जैसे साधु महात्माओं को अंत्येष्ट की जाती है, ऐसे मेरी अंत्येष्ट करना। अच्छा तो फिर उनकी अंत्येष्ट करके उनकी जगह बना दी। तो यहाँ पे उनको दबाया गया। हुआ थी, हम लोग तो मतलब बचपन में खूब उनके साथ बैठते थे। तो उनको बहुत सारी सिद्धियां भी मिल गई होंगी धीरे धीरे। हाँ मतलब काफी जानकार थी वो, बोल देती थी ये होगा वो होगा, तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमारी पूरी याददाश्त तक ना काफी बड़ा, हम जॉब में लग गए थे उसके बाद एक्सपायर हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं नौला देखने के लिए। तो नौला एक ऐसी चीज होती है जो कुआ की तरह होता है, बाकी मैं आपको देख के बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे पगडंडियों से यहाँ से पानी भी जाता होगा, आदमी भी जाते हैं जब बारिश होती है, नौला की तरफ प्रस्थान करते हुए।
तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है नौला। अरे वाह, तो पानी तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बहुत ही शुद्ध और हाथ लगा के देखो पानी। अरे वाह, ये पानी धरती से आ रहा है और ये फ्लोर है, फुल हो जाता है। ये है नौला, इतना देखो डेप्थ देखो इसकी कितनी। यहाँ पे गाय वगैरह आके पानी पीती है? नहीं, गाय वालों के लिए, पीने हमारे लोगों के लिए। अच्छा, जब कभी हमारा हो, ये देखो ये कुआं ज्यादा गहरा नहीं है, मुश्किल से 3 फुट होगा, ये 4 फुट हाँ। भी नहीं है। और यहाँ पे पहले जमाने में लोग यहाँ से पानी पीते थे, यहीं से पानी भरते थे, यहीं से नहाते थे, पीते थे, खाते थे। और ज्यादा गहरा ही नहीं, यहाँ पे पहाड़ों का पानी शायद धरती में इकट्ठा हो जाता होगा। जमीन के सोर्स से आता है, गर्म पानी जमीन के सोर्स से आता है। तो ये देख सकते हो आप, ये है नौला। आपने ये कहावत सुनी है, ओखल में सिर दिया तो मुखल से क्या डरना। तो मैं आज आपको वही दिखाने जा रहा हूँ, ओखल क्या होता है। और मूसल तो दिखा नहीं सकता, पर मूसल समझ लेना आप। पहले जमाने में क्या होता था कि लोग ऐसे इस तरीके से गड्ढा करते थे, उस गड्ढे के अंदर फिर वो लोग कुछ सामान डालते थे और ऊपर से एक मूसल, मतलब कि एक लकड़ी का हैवी सा वेट आता था जो बार बार कंटिन्यूस जाता रहता था और वो पिस जाती थी चीज़ें प्रेशर की वजह से। तो इसको बोलते हैं ओखल या ओखली। सो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की एक प्रसिद्ध घास है जिसको ये लोग बिच्छू घास बोलते हैं। इस घास को लगाने से इरिटेशन होती है और रैशेज पड़ जाते हैं रेड रेड कलर का, बट ये यूजफुल होती है। तो कुछ लोग यहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो इसको एज अ रेमेडी समझ के अपनी बीमारियों का समाधान भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं यहाँ पे कैसे खाना खाया जाता है। धूप में बैठो, धूप होनी चाहिए, वहाँ पे पहाड़ भी दिखने चाहिए। और के बाद फिर यहाँ पे बैठेंगे सामूहिक बैठ के, और दादी के बगल में बैठ के खाना खाया जाता है। और साथ में यहाँ पे आंच भी जलती रहनी चाहिए, जब भी मजा जीवन का। गुड्डी बैठो, आओ। और ये हमारी जो गोभी हमने अपने घर में बनाई है, मिक्स वेज एक तरीके से। और ये आलू हैं जो अभी हमने आंच के अंदर से निकाले हैं और जिनके छिलके आप यहाँ देख ही सकते हो, आलू को छील के इसमें से निकाल के और अब इसको खाया जा रहा है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की यात्रा, ये हमारा महिला मंडल। अब हम जाएंगे मंदिर। हमारी चाची जी से तो आप मिले ही नहीं हो, चाची जी रहती हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और चाचा जी वहीं रहते हैं। मेरा नाम शोभा जोशी है और मैं बागेश्वर रहते हैं हम, और पिंकी की चाची है, पिंकी की चाची। हाँ, और बस इतना ही। पापा का ऑफिस जो है वो ठीक वहीं पे रोड से ठीक ऊपर ही है, घर से निकलते ही आ जाता है। हमारी विरासत, हमारा गौरव। सो गाइज, हम फाइनली पहुंच चुके हैं वैजनाथ मंदिर के प्रांगण में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी बह रही है हल्की सी, यहाँ पे मंदिर का प्रसाद मिलता है। ये पूरी फैमिली है। अब दिखाते हैं आपको थोड़े से व्यूज। कितना एकदम सुकूनदायक रास्ता है ये, ऐसे चलते जाओ, मज़ा ही मज़ा। वैजनाथ मंदिर का रास्ता और गोमती नदी है इस तरीके से, ये देखो ये गोमती नदी है जो बह रही है। यहाँ पे काम हो रहा है और वहाँ पे हमारी बाइक पार्क है, साथ में यहाँ पे नदी बह रही है जिसका नाम है गोमती नदी। यह है मंदिर की बैक व्यू, मंदिर का नजारा।
मंदिर है, इसका नाम वैद्यनाथ मंदिर है, वैद्यनाथ मंदिर। ये 9th से 10th सेंचुरी के अंदर बना है। ये वैद्यनाथ, ये वैद्यनाथ झील है, वैद्यनाथ झील। और ये पूरा मंदिर है वैद्यनाथ मंदिर। यहाँ पे 18 तरीके के ऐसे स्तंभ हैं। ये स्तंभ है, यहाँ पे 18 स्तंभ हैं और 2 स्तंभ में पूजा होती है। जो मंदिर की वीडियो है, जो मंदिर है वो 1800, वो करीब करीब 1000 साल पुराना है। हे गाइस, तो आज हम आए हैं वैद्यनाथ के टेंपल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इनकी लेक है। यहाँ पे पहले ज़माने में बतकें होती थी और मछलियाँ होती थी, मछलियाँ छोटी हैं। और आप अगर इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 18 के करीब करीब पिलर्स हैं और पूरी फैमिली यहाँ पे। थोड़ा घूमो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली दिख रही क्या? छोटी छोटी हैं अंदर। यहाँ पे देखे होंगे या कुछ होंगे? यहाँ ले नहीं जा सकते, कोई नहीं है। नहीं है, नहीं। ये यहाँ से है मंदिर की एंट्री। ये मंदिर की एंट्री है और ये सारे फैमिली लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। ये सब पब्लिक जाते हुए मंदिर के अंदर। ये मंदिर है कोट मंदिर, कोट मंदिर। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस मंदिर के बारे में। ऊपर जाने के लिए मंदिर में सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा घंटा भी है। मंदिर में आए भगवान को याद करें और एक घंटा को बजाएं। जूते उतारने के लिए जूते उतारो और फिर यहाँ पे दोबारा घंटियाँ। ये मेन मंदिर है, आ जाओ, आ सकते हैं इसको लेके। हाँ। ये प्रवेश द्वार है, मेन मंदिर है। जय भगवान, ये हमारे भगवान जी। खाने का तो यहाँ पे ये बलि चढ़ती है और ये मंदिर के आपने दर्शन कर ही लिए हैं। ये एक मंदिर है, यहाँ पे भी ध्वनि चलती रहती है। ये खाली है यहाँ पे। ये है वेदव्यास जी, वेदव्यास जी की स्थली है। वरना नुकसान हो जाएगा। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं हम लोग आए हैं यहाँ पे। अब वो आपको जो दिख रही है वो दूसरे नंबर वाली गाड़ी हमारी है और हम इतने ऊपर से नीचे से आए हैं। अरे व्यू, कौन सा गांव है हमारा? गांव कौन सा है? पुरानिया में।
भी अंदर ही है, कौन सा होगा अभी यहाँ से तो कौशानी भी दिखता होगा, गांव भी दिखता होगा, यहाँ से तो कौशानी और गांव दोनों दिखते होंगे ना। गांव नहीं दिखता, इधर से नहीं दिखता, कौशानी दिख जाएगा। हमारे गांव ये जो पहाड़ है ना, इनके पीछे। अच्छा, इनके पीछे पहाड़ों के पीछे है। ओके, तो ये आपको 360 व्यू देते हुए, ये हमारे गांव का 360 व्यू है। कौन से मंदिर से? कोट मंदिर से। लिखा हुआ है कोट भ्रामरी मंदिर। कोट माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाते हुए, जो हमको फिलहाल पता नहीं है कौन सी है, बट आई थिंक सारे कलर ब्राइट हैं और जो निखर के आ रहे हैं, कोट माता का मंदिर। यहाँ से पीछे नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, और उधर की तरफ हमारी गाड़ी है। एनीवे, लेट्स कम माता का मंदिर। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ग्वालदम।